सनी देओल की फिल्म गदर 2 अगले महीने यानी 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। सनी देओल समेत फिल्म के स्टार कास्ट फिल्म के प्रमोशन में जोर शोर से लगे हुए हैं। गदर 2 को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने साल 2001 में गदर एक प्रेम कथा बनाई थी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि इस फिल्म के सामने भी आमिर खान की लगान की चुनौती थी। इसके बाद भी फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी। वहीं गदर 2 के सामने भी बॉक्स ऑफिस पर क्लैश दिख रहा है। जहां एक और अक्षय कुमार की ओमजी 2 भी 11 अगस्त को रिलीज हो रही है, वहीं दूसरी ओर साउथ की 200 करोड़ की फिल्म अब चुनौती बनने वाली है। दरअसल 11 अगस्त से पहले ही 10 अगस्त को साउथ सुपरस्टार की फिल्म जेलर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत हैं। बता दें, साउथ में थलाइबा के नाम से मशहूर रजनीकांत के फैंस केवल साउथ में ही नहीं बल्कि हिंदी बेल्ट में भी हैं। ऐसे में सनी देओल के लिए बॉक्स ऑफिस पर चुनौती बढ़ गई है। गदर 2 के लिए बॉक्स ऑफिस पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस तरह का क्रेज गदर 2 के लिए दिख रहा है, उससे ओमजी 2 फिल्म के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन अब साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 10 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है, तो ऐसे में गदर 2 के लिए बड़ी चुनौती जरूर होगी, क्योंकि रजनीकांत की फिल्म हिंदी बेल्ट में भी अच्छी कमाई करती है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 के लिए जगह बनाना आसान नहीं होगा। गदर 2 जहां 100 करोड़ बजट की फिल्म है, तो वहीं जेलर 200 करोड़ बजट की फिल्म है। अब 100 करोड़ की गदर 2 पर 200 करोड़ की जेलर कितना भारी पड़ती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।